जुलाई कुक ऑफ का ये दूसरा क्वेश्चन है और आज हम अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया क्या है कि देखिए, यू आर गिवन एन इंटीजर सीक्वेंस a1 a2 an तक है, ठीक है। फॉर एनी पेयर ऑफ इंटीजर एल कॉम आर सच दैट वन से ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा, एन से कम इक्वल रहेगा, लेट्स डिफाइन ओ आर। ये करना एज एल, ये दिया हुआ साइन, ये साइन का मतलब है और, देखिए यहाँ दिया हुआ है, दिस बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये करना क्या है इसमें, मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ कि एक एरे दिया हुआ है या एक सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है, एरे दिया हुआ, सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है, उसमें हमें क्या करना है कि सारा सब एरे निकालना है, और जितना भी सब एरे है उसका हम फिर ये निकालेंगे, क्या बोलते हैं, उसमें जितना भी नंबर है उसको बिटवाइज और से ऑपरेटर यूज़ करेंगे उसके बीच में, और जो लास्ट में आएगा वैसा आएगा। जैसे यहाँ वन है तो यहाँ वन ही आएगा, यहाँ टू है टू आएगा, सेवन है सेवन आएगा। वन और टू का जो बिटवाइज होता है वो थ्री हो जाता है, इसलिए ये है टू-7, ये आपका सेवन हो जाएगा, 1 2 7 भी आपका सेवन हो जाएगा। तो इसका क्या है, इसमें करना क्या है, तो आपको बताना है कि ये जो आपको सॉल्यूशन सेट आ रहा है इसमें कोई सेम है कि, मतलब इसमें कोई आपका नंबर रिपीटिंग है कि नहीं है। काफ़ी सिंपल है बहुत, तो ये काफ़ी आसान है। इसमें देखिए जैसे ये 1 2 3 है, यहाँ क्या 1 और 2 है, तो इसमें आपका होगा 1 होगा, एक 2 होगा, एक 1 2 होगा, ये सब आपका सबसेट हो गया। 1 का सिर्फ 1 ही है तो 1 हो जाएगा, 2 का सिर्फ 2 ही है तो 2 हो जाएगा, और ये 1 बिटवाइज और 2 ये आपका 3 होता है। आप ये नहीं आया तो आप गूगल कर लीजिएगा बिटवाइज और कैसे काम करता है। तो काफ़ी सिंपल था, इतना ही था, यही आपको निकालना है। इस आप खाली देखना है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है इसमें कोई रिपीटिंग है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ टेस्ट केस, काफ़ी सिंपल है। यहाँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए आपको एल एल लेना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, यहाँ लॉन्ग लॉन्ग मैंने डिफाइन किया है, लॉन्ग लॉन्ग यानी आपका एल एल होगा, ठीक है। ये क्यों होगा ऐसा मैं बताता हूँ। ये देखिए 10 का पावर 18 दिया है, इंट का रेंज सिर्फ 10 का पावर 9 होता है, तो अगर आप इंट यूज़ करेंगे तो आपको गलती आएगा, मेरा भी आ रहा था गलती, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं देखा नहीं था ये 18 है, तो इसलिए आपको लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना होगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ले लिए, अब एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे सॉल्यूशन सेट का, कितना बार एक सॉल्यूशन रिपीट कर रहा है ये काउंट करने के लिए। सॉल्यूशन सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट है ये वाला, और ऑपरेटर यूज़ करने के बाद ये जो सेट आ रहा है इसमें को कितना बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम वो मैप लिए हैं, समझ रहे हैं। और ये बुल क्यों यूज़ किए बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ सबका, ये है मैं सब एरे निकालने के लिए, ये तीनों है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाए, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिर यहाँ एंडिंग पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, और फिर ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक हम लूप चलाएंगे उसको सब एरे निकालने के लिए, और जितना जितना सब एरे का एलिमेंट है वो आर ई एस में आएगा, आर ई एस और ए के, ये आपका हो गया उसका वो जो बिटवाइज और है वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। फिर हम यहाँ करेंगे एम पी डॉट फाइंड, अगर आर ई एस का जो वैल्यू है वो पहले से वो अनऑर्डर्ड मैप में है, तब तो हमें मिल गया कि वो है, तो उसका आंसर हो जाएगा नो, इसलिए हम ये बी ओ को फॉल्स करके ब्रेक कर दे रहे हैं, बी ओ को ट्रू किए हैं क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ अगर ये नॉट इक्वल टू एंड आ गया, मतलब इसमें पहले से है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा और यहाँ ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो फिर ये मैप में ऐड हो जाएगा और उसका हम लोग जो वैल्यू है यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये पूरा बार चलेगा, अगर अगर कोई रिपीटिंग नहीं आया तो ये ट्रू ही रहेगा और ये यस प्रिंट हो जाएगा, अगर यहाँ रिपीटिंग आ गया तो ये डायरेक्ट नो प्रिंट हो जाएगा और फिर ये वापस चल जाएगा अगले टेस्ट केस के पास। तो काफ़ी सिंपल था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो आप आके मुझे मैसेज, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट भी दे दूंगा, आप आके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। तो काफ़ी सिंपल था, बस इतना ही था ये, और तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई और किसी और का सोल्यूशन चाहिए तो उसका आप क्वेश्चन बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, तो कैसा लगे वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिए अपना और गुड नाइट।